का दुस्साहस किया तो मैं तुम सबको उठाकर फेंक दूंगा। देखते हैं कौन किसको फेंकता है। इस बार यदि माता पार्वती की तरफ जाने से तुमने हमें रोका तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कैलाश पर कैसी विचित्र लीलाएं हो रही हैं और भगवान शिव मौन है। देवर्षि, मेरा विचार है कि हमें तुरंत कैलाश पर चलकर स्थिति का ज्ञान करना चाहिए। उचित है देवराज। चलो हम शिवजी से ही पूछते हैं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नारायण। समस्त जगत के दुर्गुणों को दूर कर सद्गुणों का प्रसार करने वाला कर्मकार हूं मैं, ओंकार हूं। सभी देवगण कैलाश पहुंच भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने अपने लोक लौट जाते हैं। कार्तिकेय की वीरता सुन कृतिकाएं पार्वती से अपना पुत्र वापस मांगती हैं, परंतु शिव व कार्तिकेय के समझाने पर लौट जाती हैं। पार्वती नंदी को स्नान कक्ष की निगरानी सौंपती हैं, परंतु नंदी शिवजी को नहीं रोक पाता। तत्पश्चात माँ पार्वती स्वयं की एकांत सुरक्षा के लिए अपने शरीर के मल उपटन से एक पुतला बना उसमें प्राण फूंक गणेश नाम दे कक्ष के बाहर निगरानी के लिए भेजती हैं। गणेश कक्ष के बाहर शिवजी को आते हुए देश बालक, मेरा मार्ग अवरुद्ध करने वाला तू कौन है? मेरे स्थान पर खड़े होकर मुझसे प्रश्न करते हो कि मैं कौन हूँ? पहले बताओ कि तुम कौन हो? मैं महादेव हूँ, मुझे भीतर जाना है। आप महादेव हो, आदिदेव हो या परम देव हो अथवा देवों के भी देव हो, इससे मुझे कोई संबंध नहीं। मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। क्यों? माता की आज्ञा है। कौन हो तुम और कौन है तुम्हारी माता? जो मेरी माता के विषय में नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता, और जो कुछ भी नहीं जानता उसे मैं नहीं मानता। अत्यंत प्रिय बालक हो तुम। बालक अवश्य हूँ, पर अपने नियम का कट्टर पालक हूँ, और उनमें से भी नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर अनुचित कार्य करने वालों को अनुचित ढंग से मार्ग दे देते हैं। ये तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है, अब मुझे भीतर जाने दो। मेरे कर्तव्य निष्ठ होने और तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा में विश्वास करने से आज्ञा और मर्यादा का उल्लंघन करने का मार्ग तो नहीं खुल जाता, बल्कि मार्ग अधिक कठिन हो जाता है। माता की आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नाम तो बताओ अपना और अपनी माता का, जिसकी आज्ञा से तुम यहाँ खड़े हो। अरे अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हिमालय सुधा उमा भवानी शिवा देवी पार्वती माता को तुम नहीं जानते? मैं उनका पुत्र विश्वेश्वराय गौरी सुताय गणपति गणेश।
गौरी सर, मुझे अब तक याद नहीं कि गौरी ने तुम्हें कब जन्म दिया। जन्म होगा भी कैसे, मैं तो अजन्मा हूँ, शुक्र बुद्ध नित्य मुक्त। तुम जाकर अपनी माता से पूछ कर आओ कि महादेव बाहर खड़े हैं और भीतर आना चाहते हैं, तुम अनुमति लेकर आओ, तब तक मैं यही खड़ा हूँ। हे जटाधारी महादेव, आप अवश्य ही परम ज्ञानी, ज्ञानी बुद्धिमान दिव्य पुरुष होंगे, पर निरा बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूँ। आप मुझे मेरे स्थान से हटाकर मुझे मेरे कर्तव्य से भी हटाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से हटूंगा, आप भीतर प्रवेश करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से कदापि नहीं हटूंगा। हटी बालक, तू हटेगा कैसे? माता ने डटने के लिए कहा है, हटने के लिए नहीं। ये किससे पाला पड़ गया कैलाशपति? तू जानता है 14 ब्रह्मांडों में मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। तू बालक है इसलिए। नहीं तो क्या युद्ध करने का विचार है? आ जाओ। इस बालक छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। बड़ों के मुंह से बड़ी बात निकलेगी नहीं, छोटों के मुंह से आप बड़ी बात निकालने दोगे नहीं तो बड़ी बात जाएगी कहाँ। वैसे युद्ध के विषय में क्या विचार है? वाचाल हट जा, नहीं तो। बालक पर वार करना उचित नहीं, मेरे गण तुझे मेरा विचार बताएंगे, मेरे गण तुझे सद्बुद्धि देंगे। गणेश को गण सुबुद्धि देंगे? सब आप क्रोध में हैं स्वामी? क्रोध का कारण है, इसलिए क्रोध में हूँ। क्या कारण है भगवान? वो दुष्ट बालक जिसने हमारा मार्ग रोका है। वो बालक कौन है भोलेनाथ, और कहाँ उसने आपका मार्ग रोका है? नंदेश, तुम्हारी भी मति मारी गई है। एक तो उस बालक ने दुष्टता की, और अब तुम प्रश्नों की बौछार कर रहे हो। पार्वती के कक्षद्वार पर वो खड़ा है और उसने हमें भीतर जाने से रोका है। जाओ, जाकर पता लगाओ वो बालक कौन है और कहां से आया है। बातें तो वो बड़ी बड़ी कर रहा है, पार्वती से अपना संबंध जोड़ रहा है। जाओ, जाकर उसे तुरंत वहां से हटाओ। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। आओ भृंगी, चलो मेरे साथ। बालक तो बड़ा उद्दंड है। उद्दंड नहीं, हाथ में दंड है, और ये दंड मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए है। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर तू है कौन? तुम्हें छोटी छोटी बात सुनने का चाव है क्या? इतना बड़ा शरीर बड़ी बात नहीं झेल सकते, तो फिर तू मेरा बड़ा प्रहार क्या झेल सकेगा? मैंने पूछा कौन है तू? चिल्ला मत, ये आवश्यक नहीं कि मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर दूं। फिर भी देता हूँ, मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ। अपनी माँ के पुत्र तो सभी होते हैं, पर तू यहाँ कहाँ से आ टपका? ए, अपनी वाणी और भाषा को वश में रख, मैं कोई जल की बूंद नहीं जो टपक पड़ूं। मैं माँ का पुत्र हूँ, आया हूँ, प्रकट हुआ हूँ। प्रकट हुआ हूँ? क्यों हुए हो? किसने कहा था प्रकट होने के लिए? किसने कहा था प्रकट होने के लिए? अरे उत्तन, अपने से बड़ों की नकल करता है। बड़ों की नकल करने की ही रीति है, छोटों की नकल बड़े करे ऐसा नहीं होता है। बातें तो बड़ी बुद्धिमानी की करता है। कार्य और भी अधिक बुद्धिमानी का करता हूँ। नहीं, कार्य तो तूने दुष्टता का किया है। कैलाशपति भगवान शिव शंकर को माता पार्वती के कक्ष में जाने से रोककर तूने उनका अपमान किया है। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा है कि तुमको यहाँ से हटा दिया जाए। मुझे क्या हटाओगे? पहले मेरे पग को तो तने खिला के दिखाओ। अभी तुझे गेंद की तरह उछाल देते हैं, चलो।
जया, ये चित्कार कैसा है? देखती हूँ कैसी चित्कार है। जय माता की। कौन हो तुम? अपनी माता का पुत्र जो बीतर है। पर ये बालक यहाँ कहाँ से आया? पहले तुम बताओ कि तुम दोनों भीतर कैसे पहुंच गईं? तुम जिसे अपनी माता बता रही हो, हम उनकी सखियां हैं। अर्थात मौसी। हाँ। एक माँ दो दो मौसी। गई थी चित्कार सुनकर और लौटी हो हंसते हुए, क्या हुआ? वहाँ बाहर एक बालक खड़ा है, हाथ में डंडा लिए हुए हैं। वो तुम्हें अपनी माता बता रहा है। वह सत्य ही कह रहा है। क्या? क्या? हाँ, मैंने ही उसे जन्म दिया है। एक बालक के हाथों पिट गए तुम सब, ना जानी चाहिए तुम्हें। स्वामी, वो कोई साधारण बालक नहीं है। तो तुम क्या साधारण गण हो? उसके पास अद्भुत और अलौकिक शक्ति है। तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? जाओ, जाकर तुरंत उसे पार्वती के द्वार से हटाओ। जाओ। भगवान, वो फिर भी ना माना तो देवी पार्वती से कहो उसे वहां से हटाए। जाओ। इस बार तुम निकट आए या कक्ष की ओर बढ़ने का दुस्साहस किया तो मैं तुम सबको उठाकर फेंक दूंगा। देखते हैं कौन किसको फेंकता है। इस बार यदि माता पार्वती की तरफ जाने से तुमने हमें रोका तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कैलाश पर कैसी विचित्र लीलाएं हो रही हैं और भगवान शिव मौन है। देवर्षि, मेरा विचार है कि हमें तुरंत कैलाश पर चलकर स्थिति का ज्ञान करना चाहिए। उचित है देवराज। चलो हम शिवजी से ही पूछते हैं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नारायण नारायण। कैलाशपति देवाधिदेव भगवान शिव शंकर की जय। हे भोलेनाथ, कैलाश पर यह कैसा उत्पात और आर्तनाद छा रहा है, आप इसे रोकते क्यों नहीं? प्रयत्न तो कर रहे हैं। पार्वती के कक्ष के बाहर एक उत्पाती बालक डंडा लिए खड़ा है, ना वो हमें भीतर जाने दे रहा है ना गण को। अब एक बालक पर हम अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करें? पर यह बालक है कौन प्रभु, और अचानक कैलाश पर कैसे प्रकट हो गया? स्वयं को माता का पुत्र बताते हुए वो पार्वती के कक्ष की ओर संकेत करता है। अब वो वहां से हटे तो हम भीतर जाएं और पूछे पार्वती से कि तुम्हारा ये पुत्र कहां से प्रकट हुआ है। हे भोलेनाथ, आपकी लीला भी न्यारी है। जो माता पार्वती का पुत्र होगा वो आपका भी तो पुत्र होगा। आप तो माता पार्वती से पूछेंगे, परंतु हम सब किससे पूछेंगे? हाय भोलेनाथ, उस बालक से हमारी रक्षा करे। उसकी लाठी में अद्भुत शक्ति है महेश्वर। एक बार और उसके सम्मुख गए तो जीवित नहीं लौटेंगे। शांत हो जाओ नंदी महाराज, शांत हो जाओ। भगवान भोलेनाथ
अवश्य कोई उपाय करेंगे। मैं क्या उपाय करूंगा? उस बालक की दुष्टता और दृष्टता पर यदि मेरा क्रोध जाग उठा तो अनर्थ हो जाएगा। आप उपयुक्त समय पर आए हैं, इसलिए उस बालक और गण की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जाएं और उनसे निवेदन करें कि वे कैलाश पर आकर उस बालक को प्रेम से वश में करें। हाँ, यही उचित होगा। हम इसी समय वहां जाते हैं देवेश्वर। देवराज इंद्र एवं देवर्षि नारद के साथ देवगण भी पधारे, अर्थात समस्या गंभीर है। हाँ परमपिता, समस्या अत्यधिक गंभीर है। अपनी संगीतमय वाणी में समस्या प्रस्तुत करने तथा उस समस्या का समाधान निकालने में नारद निपुण है। इसलिए नारद तुम ही कहो कि समस्या क्या है। परमपिता, कैलाश पर एक उद्दंड बालक दंड लेकर प्रकट हुआ है। वो शिवगण को दंडित करता ही जा रहा है। वो ना तो भगवान शिव न शिवगण के रोके रुक रहा है, बस दंड घुमाता ही जाता है। कैलाश पर जहां भगवान शिव की लीला व्याप्त है, वहां इस उद्दंड बालक की उद्दंडता शिव लीला ही लगती है। परंतु जब ये विषय भगवान शिव के सम्मुख आया तो भगवान शिव ने हमें आपके पास भेज दिया। यहाँ भेजने का कारण? भगवान भोलेनाथ का हमें ये आदेश है कि हम आपसे तथा श्री हरि विष्णु से ये कहे कि आप उस उद्दंड बालक को समझाएं और वश में करें। हे परमपिता, आप तो इस सृष्टि के सृजनहार हैं। उस बालक की उत्पत्ति का रहस्य आपसे अधिक और कौन जान सकता है? उसका अचानक कैलाश पर प्रकट होना, सदाशिव का उसकी उत्पत्ति के बारे में अनभिज्ञ होना, ये रहस्य को और अधिक गहरा रहा है ब्रह्मदेव। सत्य यही है कि यह सृष्टि के कल्याण के निमित्त रची गई शिवलीला है। शिवलीला? नारायण नारायण, अर्थात हमारा अनुमान सत्य निकला। यह ऐसी लीला सिद्ध होगी जो समस्त जगत को चकित कर देगी। शिवलीला से इस जगत का कल्याण होगा, ये तो शुभ ही है, परंतु उस उद्दंड बालक का क्या उपाय किया जाए? जब सदाशिव ने तुम्हें उस बालक को समझाने के लिए मेरे और श्री हरि विष्णु के पास भेजा है तो यही उपाय करना होगा। अब तुम सब कैलाश पहुंचो और मैं भी श्री हरि विष्णु को विष्णु लोक से लेकर कैलाश पहुंचता हूं। वहां पहुंचकर उस बालक को समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसा आप उचित समझे ब्रह्मदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गणेश, नमन स्वीकार करें परमपिता, और श्री हरि विष्णु आप भी। कल्याण भव। चंद्रदेव, तुम इस समय यहाँ? हाँ परमपिता, प्रभु भोलेनाथ के दर्शन करने चला आया, किंतु देखता हूँ यहाँ का वातावरण ही विषम है। हाँ, मैंने आते समय भवन के बाहर देखा तो कुछ शिवगण मूर्छित पड़े हुए थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ पूज्यगण? आओ हम सब देवेश्वर से विनती करें, वे ही हमें इस विषय में कुछ बताएंगे। आइए। ओम नमो भगवते रुद्राय। महेश्वर, कहाँ है वो उदंड बालक? पार्वती के कक्ष के बाहर खड़ा है। आप सभी देवगण उस उद्दंड बालक को बस में करके कैलाश पर शांति स्थापित करें। आश्चर्य का विषय है, कैलाश में अशांति हो गई। कुमार, घोर आश्चर्य का विषय तो यह है कि भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति में यह अशांति हो रही है। श्री हरि विष्णु जी, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। हाँ देखें तो, ऐसा कौन सा बालक है जिसने इतना उत्पात मचा रखा है? आइए। Thank you.
सावधान, मेरी माता के कक्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न कोई ना करे, इसी में सबका हित है। हम कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहते। तो फिर यहाँ क्यों आए हो, मुझे दर्शन देने या फिर मेरे दर्शन करने? दर्शन तो तुम्हारे कर ही लिए हैं, अब तो तुम्हें समझाने का कार्य शेष है। मुझे समझाने आए हो, अर्थात मुझे ना समझ लिया है? नहीं, ऐसा समझते तो तुम्हारे पास क्यों आते। हम तो तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि क्षमा करें पूज्यगण, समझने की आवश्यकता मुझे नहीं आपको है। उचित यही होगा कि आप यहाँ से लौट जाएं। क्यों लौट जाएं? हम कार्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे। तुम्हें द्वार से हटा कर जाएंगे। देवगण, हटाओ इस बालक को। ला, मैं स्वयं तुझे हटा देता हूं। मैं सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा हूं। मेरी बात मानकर ये द्वार छोड़ दो, नहीं तो क्या? तो ले। मैं जगत का पालनहार श्री हरि विष्णु तुमसे ये निवेदन करता हूँ कि द्वार छोड़ दो। मेरी माता की आज्ञा के अनुसार ये संभव नहीं। नहीं, धन्य है वीर बालक तेरा ये साहस, तेरा ये बल, धन्य है। इस विनाश लीला का अंत करे महादेव। Thank you.
आज्ञा दें। हे प्रबल शक्तियों, महाप्रलय मचा दो। देव, दानव, शिवगण, उन सभी का सर्वनाश कर दो। हे महाशक्ति, हे महामाया, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हे नौ दुर्गे, इस हाहाकार को समाप्त करो। देवी, समाप्त करो, अन्यथा सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्षमा करो महामाया, हमें क्षमा करो। हे महाशक्ति, हे मातेश्वरी, जगत को सर्वनाश से उबारिए। हमारे अपराध क्षमा करो महामाया, हमारे अपराध क्षमा करो, हम आपके अपराधी हैं। हमें क्षमा करो महामाया, हमें क्षमा करो। क्षमा करें महाशक्ति, क्षमा करें। हम सब आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, क्षमा करें। कल्याणी चित्रूपा तुम कल्याणी।
से अपराध हुआ है, हम सब है अपराधी तुम्हारे। करते हैं अब क्षमा याचना, करते हैं अब क्षमा याचना। शीश झुकाए बाह पसारे, शीश झुकाए बाह पसारे। श्वासों के संग क्या कुल शांत हो जाए महाशक्ति, हे महामाया, लोकहित के लिए शांत हो जाए। इस विनाश से किसी को लाभ नहीं होगा महादेवी। मेरी जो हानि हुई है उसकी पूर्ति कौन करेगा? मेरे पुत्र का वध क्यों किया गया? जिसके पुत्र का वध कर दिया गया हो उस माता को आप शांत रहने के लिए कहते हैं? क्या ऐसी माता शांत हो सकती है? फिर आप कैसे शांत होंगी महामाया? एक तो मेरे पुत्र गणेश को पुनर्जीवित करें, दूसरा देवताओं में वो सर्वप्रथम पूजित हो ऐसा अधिकार दें, तभी मैं शांत होंगी, अन्यथा महाप्रलय अनिवार्य है। हम प्रयत्न करते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भगवान भोलेनाथ गणेश को अवश्य पुनर्जीवन देंगे। हे महाशक्ति, हे महामाया, देवताओं में वो सर्वप्रथम पूजित हो ऐसे अधिकार को भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेंगे। अब हम सब सदाशिव के पास जाते हैं। आए